व्हाट्सअप गाइस, दिस मानव एयर। आज हम लेके बहुत ही कमाल की वीडियो रेड शेडो की। आई थिंक गेम जो है हर थोड़े थोड़े टाइम में अब कुछ चीज़ों के अंदर तो अच्छे काम कर ही रही है। उन अच्छे काम में से ये एक चीज़ है। उसको बताने से पहले आप भैया वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए। तो भैया अब आने वाला है फ्राइडे को, हमारा आने वाला है 2 टाइम्स सेक्रेड चांद। जी हाँ, जो सेक्रेड शार्ड हमारा ये एकदम गोल्डन शार्ड होता है। इसका नॉर्मली तो हमारा 6% चांस होता है, पर इस बार ही हमारा 2x चांस है, तो अब हमारा 6 से वो 12% हो जाएगा। तो लेजेंडरी चैम्पियन मिलने का इससे बढ़िया आपको ऑप्शन नहीं मिल सकता सेक्रेट शार्ट से। बाकी आप एंशेंट और वॉइड का वही रहेगा, तो उसको भूल जाइए। अगर आपके पास सेक्रेट शार्ट हैं तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी वो चैम्पियंस नहीं हैं, आई थिंक अगर वो चैम्पियंस आपको 2 या 3 भी मिल जाए ना, तो भी आपके लिए वो कम रहेंगे। बहुत ही क्रेजी चैम्पियंस हैं। तो सो आइए बात करते हैं। तो फ्राइडे को तो हमारा चलेगा 2x सेक्रेट, उसको आप भूल जाइए, नॉर्मल आपको करना है। पर अगर आप सैटरडे को पुल करेंगे तो भैया एक गेम का टॉप टॉप मैं बताऊंगा, टॉप 5 या टॉप 10, हाँ टॉप 10, दोनों चैंपियंस टॉप 10 में आते हैं। तो सैटरडे को हमारा चैंपियन होगा 2 × 10x। मतलब अगर आपका बाय चांस लेजेंडरी चैंपियन आ गया तो उसमें भी 10 गुना ज़्यादा चांस हमें वो वाला चैंपियन मिल जाएगा। तो वो है हमारा अनडेड होडे का मशलाड मशाल्ड माशाल्ड माशाल्लाह, जो भी इसको आप नाम कह दो, एकदम क्रेजी चैंपियन है। मेरे पास चैंपियन नहीं है, पर मैं इससे कई बार भिड़ चुका हूँ एरिना के अंदर। अगर इसकी बारी आ गई तो आपका जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा ही हो जाता है। बहुत ही क्रेजी चैंपियन है। आइए बात करते हैं इसकी स्किल्स की। तो एकदम दिखने में तो एकदम खतरनाक है ही हमारा। आई थिंक सबसे ज़्यादा खतरनाक दिखने में चैंपियन होगा, एकदम वेम्पायर का वर्जन जो है हमारा। तो बात करते हैं A1 की। अटैक वन एनिमी हील्स दिस चैंपियन 30% ऑफ डैमेज इन्फ्लिक्टेड। तो क्या करता है, खुद ही हील कर दिया था। साथ साथ जो है विल अटैक एनिमीज अंडर लीच। तो अगर अभी बाकी स्किल की बात करेंगे तो ये लीच भी डालता है, तो ये AOE हो जाता है। पहले एक एनिमी पे हिट करेगा, उसके बाद बाकी एनिमीज पे हिट करेगा, और बहुत ज़्यादा हिट हार्ड करता है। अच्छा आपने बिल्ड इसको करा हो तो डेफिनेटली आप एक ही हिट के अंदर किसी भी एनिमी को आप मार देंगे। और डेफिनेटली बताऊंगा नए प्लेयर्स के लिए या एंड गेम के लिए, जिसके बाद भी ये चैंपियन नहीं है, आपकी गेम बदल जाएगी ये चैंपियन की। दूसरी स्किल बताइए, अटैक प्लेस इंक्रीज स्पीड एंड इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज बफ ऑन ऑल एलाइज, ठीक है। और साथ में ट्रू फियर और लीच भी लगा देता है ऑल एनिमीज पे, 2 टर्न के लिए हैं। अगर आप इसको बुक करते हैं तो 3 टर्न हो जाता है ऑलरेडी। ये एक्स्ट्रा टर्न अगर आप ये स्किल को यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ग्रांट एक्स्ट्रा टर्न, तो ऑलरेडी अगर एक्स्ट्रा टर्न लेगा तो ऑलरेडी ये 2 टर्न कूल डाउन हो जाएगा। तो ट्रू फियर से क्या होता है कि आप जो है आपका एनिमी जो है वो अपनी कोई भी स्किल को अगर गलती से यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वो कूल डाउन पे हो जाएगी, और आपकी जो है उसकी बारी आएगी ही नहीं, पूरी बारी स्किप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है जीतने के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सारे एनिमीज पे 2 फियर और लीच लगा, लीच करता है आपको आपकी टीम को हील प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड स्किल के लिए ओपन वुंड अटैक वन एनिमी हैज़ 80% चांस, बुक कर लेते हैं तो 100% होता है ऑफ स्टीलिंग ऑल बफ फ्रॉम द टारगेट। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो सारे के सारे जब बफ होंगे उसमें चुरा लेंगे, इंक्रीज डिफेंस या इंक्रीज अटैक या जो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सभी अपने पे रखा लेगा, ठीक है। और प्लेस 100% हील रिडक्शन ऑन 2 टर्न। हील रिडक्शन क्या होता है कि आप जो है अगर आपके पास कोई हीलर है वो हील नहीं कर पाएगा आपके जो चैम्पियन को। ऑल्सो प्लेस 50% 15% कंटिन्यूस हील अपने ऊपर 3 टर्न के लिए, तो 15% अपने हील मिल जाएगी। साथ साथ डैमेज इंक्रीज टारगेट अगेंस्ट हु हैव नो बफ। अगर किसी की अगर आपकी बारी पहले आती है तो ऑब्वियसली आपके एनिमी की बारी नहीं आएगी, तो उसके ऊपर कोई भी बफ नहीं चढ़ा हुआ होगा, तो और भी ज़्यादा 50% ज़्यादा जो है अटैक करेगा। तो वही बताना चाहता हूँ इस वाली स्किल से तो भैया मोस्टली सब के सब मर ही जाते हैं, ठीक है। साथ साथ इसकी ऑरा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप अगर आप ऑरा की कमी हो तो 34% डंजन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही क्रेजी चैंपियन है, डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। और साथ साथ इसके अंदर कुछ ही ये चैंपियन में से एक है जिसके अंदर आपको सबसे कम बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं 3 यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 जो 5,
हाँ 9 बुक्स इसके लिए चाहिए भाई साहब। लेजेंडरी जेम्बल के लिए 9 बुक्स बहुत ही कम होती हैं, और पता है लेजेंडरी बुक्स बहुत ही मुश्किल से मिलती है, स्पेशली फ्री टू प्ले प्लेयर्स के लिए। और अगर आप लकी रहे तो अगर ये वाली दोनों स्किल के अंदर आपका काम हो गया तो 4 बुक्स के अंदर आपका काम निपट जाएगा। A1 भी अच्छी है, अच्छी हिट हार्ड करती है, पर अगर आप इसको ना बुक करें तो भी आपका काम चल जाएगा। मेन जो है इसकी ये 2 स्किल्स हैं, बहुत ही क्रेजी चैंपियन है। ये बात होगी हमारी सैटरडे की। अब आने वाला है संडे को, हमारा दूसरा आएगा मार्शल आर्ट का, सैटरडे को खत्म हो जाएगा, संडे को अब हमारा फिर से एक आएगा 2+10 टाइम चांस गेम का, एक और बहुत ही क्रेजी एकदम महान हमारा टॉप का, आई थिंक टॉप टॉप रिवाइवर्स में से एक होगी, और ऑलरेडी यार गेम चेंजिंग दोनों चैंपियंस हैं, वो है हमारी डीमन स्पॉन की डचेस लिली 2। ये हमारी एकदम उड़ने वाली अप्सरा एकदम क्रेजी चैंपियन है। आई थिंक सबको जिस जिसने गेम खेली है उसको पता ही होगा कि कितनी कमाल की चैंपियन है, एक नंबर चैंपियन है। स्टैट्स इसके देख लो, एकदम क्रेजी स्टैट्स हैं। तो सबसे बात बात करते हैं इसकी ऑरा के, यूजुअली लोग इसको एरिना के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर ये टीम में होती है, अच्छा किसी ने बिल्ड करा होता है तो भैया जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले ऑरा देखेंगे तो इसकी 19% ऑरा इन ऑल बेटर, तो अगर आपके पास कोई स्पीड लीड चैंपियन नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको लीडर पे लगा सकते हैं। बात करते हैं A1 अटैक टू टर्न एंड प्ले शील्ड ऑन इक्वल टू 10% ऑफ दिस चैंपियन मैक्स HP फॉर 2 टर्न्स एंड द एलाय विद लोएस्ट HP। तो दोनों के ऊपर शील्ड लगाती है, अपने ऊपर भी, साथ ही साथ जो है कोई और एलाय जिसकी HP लो है उसके अंदर भी लगा दी। अगर सारे के सारे एलाई एचपी उनकी फुल है तो उनको नहीं करेगी, किसी की एचपी लो होगी तो ही साथ में अपने साथ एलाई के करेगी, ठीक है। ये तो हमारी शील्ड होगी। दूसरी बात करेंगे प्रेस इंक्रीज अटैक एंड ब्लॉक डिबफ। ब्लॉक डिबफ क्या होता है कि आपके ऊपर जो है वो एनिमी कोई भी बफ नहीं चढ़ा पाएगा, डिक्रीज डिफेंस, डिक्रीज अटैक, वीकन या ब्लॉक बफ, वो अपने आपके ऊपर नहीं चढ़ा पाएगा। साथ साथ परफेक्ट वाइल ऑन ऑल एलाइज एक्सेप्ट दिस चैंपियन, तो सारे के सारे वाइल वाइल क्या होता है, एकदम वो आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट एकदम नकाब में पहुंच जाते हैं, एकदम हैरी पॉटर की दुनिया में, और आप जो है उनको डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएंगे, आपको AOE हिट चाहिए होगी। और साथ ही साथ जो है इसकी एक और ऑरा बताऊंगा तो उससे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मारने के लिए। तो खाली अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टैंकी बिल्ड करेंगे तो भैया आपका जीतना बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रिवाइव ऑल एलाइज, सारे एलाइज को जिंदा कर देती है 4 टर्न कूलडाउन पे, अगर आप इसको बूल कर सकते हैं। और प्लेस वाइल ऑन ऑल एलाइज एक्सेप्ट दिस चैंपियन एंड प्लेस कंटिन्यूस हील, तो उनको तो जिंदा करेगी 70% HP से, और साथ में उनके ऊपर कंटिन्यूस हील भी लगा देगी ताकि उनकी जैसे ही बारी आई तो उनकी HP और ज़्यादा बढ़ जाए, वो भी 2 टर्न के लिए है। तो वाइल चढ़ाने से भी आप उनको इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली इसकी स्किल यही मकसद होता है कि इसको आप टैंकी बनाइए और आपके जो है साथ वाले जो आपके एलाइज हैं वो सारा काम मारने पीटने करेंगे, क्योंकि उनको कोई डैमेज कर ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ अगर इसकी ऑरा हम देखें तो डिक्रीज डैमेज टेकन फ्रॉम ऑल एलाइज बाय ए जाओ 25%, 25% जो है डैमेज आपका कम लेगी। अगर आपको कोई 100 डैमेज कर रहा है अपने बहुत ज़्यादा हिट से तो 75 आपको डैमेज करेगा, और बॉस के अंदर 15% करेगा। बहुत ही कमाल के चैंपियन, दोनों गेम चेंजिंग चैंपियन। आई थिंक इसको 5, 6, 7, 8, तो ये देखिए इस चैंपियन के अंदर भी खाली 8 बुक चाहिए। आई थिंक मैं 100% रिकमेंड करूँगा अगर आपको ये पुल करते हैं तो इसको अपनी सारी बुक जो है इसके ऊपर डाल लीजिए। मैं भी शार्ट्स को पुल करूँगा, मेरे पास ज़्यादा शार्ट्स हैं नहीं, मेरे पास 2 ही सेक्रेट शार्ट पड़े हैं। मुझे एक हफ्ते से भैया नाइटमेयर से अल्ट्रा नाइटमेयर से कोई भी शार्ट नहीं मिला, कोशिश करूँगा लकी रहा तो कल या परसों मुझे सेक्रेट शार्ट मिल जाए तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, मेरे पास और ऑप्शन बढ़ जाएंगे, पर देखेंगे क्या करते हैं। तो ये थी हमारी 10x+2x चांस चैंपियन लेने का। फ्राइडे को कोई 10x नहीं है, सैटरडे और संडे को है। तो ये अभी के लिए था ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।